तो कैसे हो आप सभी, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो दरअसल जयपुर का है, जहां पर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्याकांड के बाद दंगे फसाद बढ़ते जा रहे हैं और तो और राजस्थान को बंद करने की भी कोशिश हो रही है लोगों की, और उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, ये देख लीजिए। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं वो मानसरोवर के मेट्रो हॉस्पिटल है, उसके बाहर की है, मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर की। यहाँ तरीके का यहाँ का माहौल है वो दिखाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनके नज़र में कुछ डंडे भी नजर आ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर देखिए काफी संख्या में राजपूत समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और समाज की ओर से जो है पूरा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें क्या है, पूरे राजस्थान को बंद करने की कोशिश ही नहीं, यहाँ तो मतलब गरीब लोगों का भी नुकसान कर दिया काफी। पहले आप ये भी देख लीजिए वीडियो। भैया क्या क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ जज कार्ड छोड़ा है, पूरी गाड़ी को डैमेज कर दी है। आपने बताया नहीं? बताया, मैं घर से आता जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ झुटवाड़ा। हाँ। लेकिन नहीं मानी उन्होंने। कितने के लोग थे वो? तो पूरी जनता है, क्या करें। क्या लाठियों से पड़ा? लाठियों से। तो आपने उनको कहा नहीं कि आपने कोई चक्का जाम नहीं किया है, आपने खाली बाजार बंद का आह्वान किया है, तो गाड़ियां क्यों बंद कर रहे हैं आप? गाड़ियों को कोई बताया ही नहीं, अपन ऐसी कुछ होता है तो बताते हैं अपन। भैया कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 50,000 रुपए का नुकसान। शुभ नाम आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह राठौर। ठीक है, दोस्तों अगला जो वीडियो है वो पावपुरी मेडिकल कॉलेज नालंदा का है, जहां पर एचओडी ने छात्रों से छेड़खानी का मामला आया है। और तो और आप पास होने का उपाय सुनिए, आपके कान फट जाएंगे। दरअसल वहां के सर का कहना है, प्यार करो नहीं तो फेल कर दूंगा। सर उन लड़कियों के पास जाके कहते हैं कि बाथरूम में चलो अगर तुम्हें पेपरों में पास होना है। पहले आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। ये बोले? हाँ, तो हम बोले क्या कि हमको पास नहीं करना। आपको शक नहीं हुआ जैसा बोला? तो हम बोले कि हम स्कूल से आने लगे ना तो हमको पकड़ने लगा। अच्छा। कि इधर कहाँ चले, तो हम रोए ना, तब उनको छोड़ दिए। कौन थे वो? एक्सटर्नल। कौन, क्या नाम है? डॉक्टर अजय कुमार। दोस्तों अगला जो वीडियो है उसके अंदर क्या है कि एक बाइक का स्कूटी के साथ जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, वो देख लीजिए। दोस्तों अगला जो वीडियो वायरल हो रहा है वो दरअसल छतरपुर मंदिर का है। इसके अंदर क्या हुआ कि किसी ने जमीन पर चौक से गुरु नानक साहब की एक बड़ी सी तस्वीर बना दी और लोग क्या है, आने जाने वाले लोग उसी पे से चलकर जा रहे हैं। लेकिन एक बहन ने इसका विरोध करके इसकी वीडियो भी बनाई है और उसको मिटवाया भी है। आप देखिए ये वीडियो। ये मैं इनको देखियो, ये देख क्या लिखा है, श्री गुरु नानक, ये देख
देव जी ये फोटो बना रखी है इधर, और ये लोग आ जा रहे हैं इसके ऊपर चढ़ चढ़ के। गार्ड को बुला दे एक बार, गार्ड को बुला दे एक बार, मैं इधर ही खड़ी हूँ कहीं से लेके, एक बार गार्ड को बुला दे, मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। बुराना जी की तस्वीर है यार, समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे लेके आ रहा, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं आ रही, लोग चढ़ेंगे इस पे। सर वहाँ पे जो हनुमान जी की एक मूर्ति है ना, उसके ऊपर मतलब उसके आगे गुरु नानक देव जी की तस्वीर बना रखी है फ्लोर पे, और पब्लिक चौक से, चौक चौक है ना, चौक उससे बना रखा है, गुरु नानक देव जी लिखा हुआ है, पब्लिक वहाँ पे ऊपर पैर रख के आ रही है, पैर रख के जा रही है। अभी हटवा रहे हैं आप? हटवा दूंगा, अब तो स्टाफ चला गया कल सुबह। सर अभी मैं जहाँ से जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि लोग मेरे, मैं देख रही हूँ पब्लिक उसके ऊपर आ रही है, पब्लिक जा रही है पैर रखते तस्वीर के ऊपर। सर रास्ता बंद करवा दीजिए प्लीज, या तो बाउंड्री मारवा दीजिए आप। मैं कर देता हूँ, मैं वही हूँ अभी, आ जाओ। वैसे सल्यूट है इस बहन को जिसने दिल्ली के छतरपुर मंदिर में गुरु नानक साहब की पैरों में बनी तस्वीर का विरोध किया है। दोस्तों अगली जो वीडियो है वो लव जिहाद से रिलेटेड है। दरअसल फिर से एक और केस आ चुका है ऐसा, जिसके अंदर क्या है कि एक हिंदू लड़की है जिसका नाम है सविता, वो एक मुस्लिम युवक से प्यार करती थी, लेकिन उसकी फैमिली हमेशा इससे एतराज थी, फिर भी उसने अपने फैमिली के खिलाफ जाके उससे शादी कर ली, क्योंकि उसका पति कहता था कि मैं शादी करने के बाद हिंदू में कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं हिंदू बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने शादी कर ली। अब क्या था, शादी करने के बाद उसके बच्चे भी हो गए, बच्चे होने के बाद उसका पति उसको छोड़ के चला गया। पहले आप देख लीजिए वीडियो। हिंदू बन जाएंगे, हिंदू क्या बनेंगे, वो मुसलमान बना करके मेरे को बोले कि तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम्हारे लिए कहते मेरे घर तक क्या क्या दी है। क्या नाम था? मेरा नाम पहले सविता था, वाले। दोस्तों अब समझने की बात है, क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होएगा, हम चाहे कितना ही मना कर ले, जिसको जो करना है वो करके ही रहेगा। आज हर कोई सोशल मीडिया चलाता है, हर किसी का सोशल मीडिया पे अकाउंट है, वो देख सकता है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं अगर उसे समझना हो तो, लेकिन ना समझने वाला तो ना समझ ही होता है, उसके सामने कहने का बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो ये चीज देखते हुए भी समझते हुए भी ऐसी गलती कर रहा है तो फिर अगला एग्जांपल भी वही है। दोस्तों अगला जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके अंदर क्या है कि एक आदमी ने एक 5 रुपए का लेज का पैकेट खरीदा, और उसने क्या किया कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए। जब वो इसकी वीडियो बनाने लगा तो उसने पैकेट खोल के देखा, पैकेट खोला तो उसके अंदर पता चला कि सिर्फ 2 ही स्लाइस है लेज की, मतलब 5 रुपए में इतनी महंगी हवा भर देते क्या वो, कि उससे पेट भी भर जाए इंसान का। वेल आप ये वीडियो देखिए। I don't know what kind of leg it is. Only 2 legs are there. You can see. बस 2 legs इसमें है, chips हैं. 2 चिप्स हैं बस इस लेज के पैकेट में, आप देख सकते हैं बस 2 ही चिप्स है, और ये 5 रुपए का है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अगला जो वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है वो दरअसल घोसी के मऊ का है। इसके अंदर क्या हुआ कि लोग शादी के लिए जा रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ कि अचानक ही दीवार 50 लोगों के ऊपर गिर गई, और उन 50 में से 7 लोगों की मौत तो वहीं पे होगी, और आधे से ज्यादा लोग अभी घायल है। पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए।
और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसके अंदर से बचे घायल लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया तो सरकारी हॉस्पिटल वाले काफी ज्यादा लापरवाही करने लगे, उनका इलाज तक नहीं कर रहे थे और ना ही उनकी ढंग से देख रेख कर रहे थे। वेल आप ये वीडियो भी देख लीजिए। व्यवस्था तुरंत करिए तत्कालीन, नहीं तो हॉस्पिटल में ताला बंद करिए और बोलिए मुख्यमंत्री जो कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, बंद करेंगे आप। ठीक है, जो आप मरीज को जो जिम्मेदारी है उसका निवारण करो। मरीज भैया जितने लोग हैं उनको या तो आप रेफर करो, अभी रेफर अपनी बताओ कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, उसको आप लिखित में दो, लिखित और डीएम को दो, एसपी को दो, डीएम को निकाल कर। हाँ भैया नमस्ते, मैं एकदम बढ़िया भैया। आप कैसे भैया? यहाँ पे मऊ में एक बड़ा हादसा हो गया है, शादी में एक दीवार गिर गया जिसमें करीब 50 लोग दब गए, 10 लोग तो 7 लोग तो एक्सपायर हो गए हैं और करीब 23 लोग बुरी तरीके से घायल है, 10 लोग सरकारी अस्पताल में, मैं खुद सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है सिटी स्कैन तक की भी। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भैया एक बार मैं इनसे सीएमएस महोदय से बात भी कराता हूँ। हेलो, हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम, देखो पूरा एग्जाम करो, अपने घर का मामला है, ठीक है सर? ठीक है, वेल ये किसी को भी नहीं पता होता कि उसके अगले ही पल में उसके साथ क्या होने वाला है। और उस वीडियो के अंदर क्या था कि वो सभी तो सिर्फ शादी के लिए जा रहे थे, उन्हें क्या पता था कि ये शादी ही उनकी बर्बादी का कारण होगी। आखिरी में जाने से पहले मैं आपको देश के कुछ युवा दिखा देता हूँ, वो भी देख लीजिए। सीएम किसे बनना चाहिए? जो है उन्हीं को बनना चाहिए। कौन है? नरेंद्र मोदी क्या? सीएम प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में चेंज जरूरी है ना। कौन होना चाहिए? मैं रोक दे भाई, मेरे को कुछ भी। अब प्रधानमंत्री रमन का 5 साल पहले निकल गया जब मैं 5वीं क्लास में। क्या नाम है? भूपेश बघेल। मेरा नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। आपका क्या नाम है? शीतल साहू। सीएम किसको बनना चाहिए? माननीय भूपेश बघेल। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है जो नहीं हो रहा था। अच्छा, वोट देते हैं? हाँ। अच्छा, किसको दिए हैं इस बार? इस बार कमल को दिए हैं। अच्छा, जीता कौन है? तेरे को नहीं पता? इस बंजा जीता ना? बंजा जीता है। कमल जीता है ना? कमल जीता। अच्छा, छत्तीसगढ़ में पूछ रहे हो ना? छत्तीसगढ़। कमल जीता है ना? अरे भाई, मेरे को इधर कल का पेपर क्या लिख के वो नहीं पता। रुक तो भाई, कौन जीता भाई छत्तीसगढ़ में? कौन जीता? कमल ही जीता। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।